खरगोन जिले के भीकन गांव में शनिवार को लोकायुक्त इंदौर की कार्यवाही मच्छल गांव बीट के वन परिक्षेत्र के वन रक्षक आजम खान द्वारा फरियादी सिकदार डुडवे से उसके कब्जे की वन विभाग की जमीन के वन अधिकार पट्टे के लिए सर्वे कर पंचनामा तैयार करने की एवज में 1000 प्रति फाइल के मान से 3 प्रकरणों के एवज में 3000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग की गई थी। 12 जुलाई को प्रथम किस्त 900 रुपये सिकदार डुडवे द्वारा आरोपी आजम खान को दिए गए थे। शेष राशि 13 जुलाई को 3 बजे देना तय हुआ था, जिसके लिए आरोपी ने फरियादी को अपने शासकीय निवास पर बुलाया था। 1900 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए आरोपी आजम खान को लोकायुक्त पुलिस इंदौर द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित 2018 की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। पूरी कार्यवाही पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सव्यसाची सराफ के दिशा निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह बघेल ने टीम तैयार कर निरीक्षक महेश सुनैया, निरीक्षक आशा सेजकर व चालक शेर सिंह के साथ दबिश देकर वन रक्षक आजम खान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पर ये पूरी क्या कार्रवाई थी भैया? बनाने के लिए फाइल बनाए थे, फाइल के लिए जैसे वो उसमें पंचनामा बनते हैं, पंचनामा बनाने के लिए कितने रुपए मांगे गए थे आपके द्वारा? सर 1000 एक एक फाइल के लिए, तो 3 लोग थे। कल 1000 देगा था, आज 1900 दिए। तो कल 900 रुपये दिए और आज 1900 रुपये दिए, ऐसे कुल मिला के आपने 2800 रुपये दिए हैं। हाँ, मतलब कुल मांग कितने की थी इन्होंने? 1000 सबकी, 3000 रुपये। 3000 की मांग की थी जी सर, जिसमें से आपने 2800 रुपये दिए हैं। हाँ जी सर। आपका पूरा सिकदार डुडवे कौन से ग्राम? ग्राम पालड़ी पंचायत ऊपर तहसील विकन गाँव जिला खरगोन। सिकदार डुडवे हैं, एक पालड़ी आपके आसपास गांव है, यस भीकन गांव में यहाँ के रहने वाले हैं। तो इनकी जो है फॉरेस्ट की ज़मीन में कब्जा है इनका, तो ये बीट गार्ड है माछल गांव में पदस्थ आजम खान। तो इनको जो है इसकी ज़मीन के कब्जे के संबंध में एक पंचनामा तैयार करके देना था, जिसके एवज में इनसे 1000 रुपये पट्टे के लिए मांगे जा रहे थे। ऐसे इनके और 3 साथी थे, नाहर सिंह और भाव सिंह। नाहर सिंह इनके चाचा हैं और भाव सिंह इनके पड़ोसी। इनसे भी जो है ऐसे ही प्रति पट्टे के मान से 1000 रुपये जो है उसका पंचनामा तैयार करने के एवज में मांगे जा रहे थे। तो इसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, तो कल इसमें जो है हमारा छाया साक्षी भेज के रिकॉर्डिंग कराई गई थी। रिकॉर्डिंग सही होने पे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है प्रकरण कायम किया गया था, उनके निर्देश पे आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और अभी इनको जो है 1900 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। सर आजम खान पर किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया? आजम खान के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 के अंतर्गत अभी कार्रवाई जारी है। सर इसमें आगे क्या है? अभी तो विवेचना जारी होगी, अब विवेचना होगी इसमें, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो है इनके तय किए जाएंगे। सर टीम में आपके सदस्यों के नाम? ये लोकायुक्त इंदौर का ट्रैप दल है, जिसमें मैं डीएसपी प्रवीण सिंह